कफ, बलगम, सर्दी, जुकाम, गले में खराश, खांसी, पांच तरह के ये कफ रोग बहुत परेशान करते हैं। किसी किसी को तो एक बार खांसी हो गई तो एक एक महीना, दो दो महीना बीत जाता है, खांसी ठीक ही नहीं होती। उसके लिए कई तरह के सिरप पीते रहते हैं, और ये जो कफ सिरप जितने भी आते हैं इनमें भयंकर केमिकल्स होते हैं। एलोपैथी का तो कफ सिर्फ यदि बच्चे ज़्यादा मात्रा में पी लेते हैं तो कई बार मौत तक हो जाती है। पिछले दिनों में जब कनाडा गया हुआ था तो मैंने देखा वहाँ जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के ऊपर काफ़ी लोगों ने केस किए थे और उनको बहुत बड़ा हर्जाना देना पड़ा, क्योंकि बहुत से बच्चों की मौत हो चुकी थी कफ सिरप पीने से। बच्चों को इन कफ सिरप से बचाइए, बच्चों को च्यवनप्राश खिलाइए, बच्चों को यदि जो है खांसी हो गई तो उनको श्वासारी लिक्विड हम बनाते हैं प्रवाही पीने के लिए, वो सिरप पिलाइए, आयुर्वेदिक सिरप। पहले माताएं जो है मुलैठी बच्चों को बनफसा, भासा, तुलसी, अदरक ही पिलाया करती थी। अब भूल गए हम अपनी परंपरा, तुलसी के पत्तों का रस एक दो बूंद, अदरक का रस एक दो बूंद, थोड़ा सा शहद मिलाया, चटा दिया, ये खांसी के लिए बड़ा उपयुक्त होता है। जिनका भी गला ख़राब रहता है मुलैठी, काली मिर्च मिश्री मुँह में डाल करके चूसने, ये गले के लिए बहुत अच्छा होता है। और गले के लिए बहुत अच्छा होता है, हम अंगूठे के नीचे से यहाँ से दबाते हैं गले के लिए और थायराइड के लिए दोनों के लिए। और भस्त्रिका, कपाल भाति, उज्जायी और अनुलोम विलोम प्राणायाम, प्राणायाम का सीधा असर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पड़ता है, चाहे भस्त्रिका हो, कपाल भाती हो, उज्जायी हो या अनुलोम विलोम प्राणायाम हो, सीधा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है। जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है उसको कफ की कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। कफ बलगम के लिए सौंठ, पीपल, काली मिर्च, इसको त्रिकुटा बोलते हैं। त्रिकुटा और त्रिफला हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत प्रसिद्ध औषधियाँ हैं। ये सौंठ, पीपल, काली मिर्च, त्रिकुटा एक एक ग्राम शहद के साथ चाटने से किसी भी तरह का कफ हो, बलगम की प्रॉब्लम हो, ठीक हो जाती है। और बहुत क्रोनिक कफ होने पर 20 ग्राम त्रिकुटा, 20 ग्राम से 25 ग्राम सेतुपलादि और 21 ग्राम स्वासारी, 5 ग्राम अभ्रक भस्म, 5 ग्राम प्रवार पृष्टि, 10 ग्राम अमृता सत, और बहुत क्रोनिक है तो 2-3 ग्राम स्वर्ण संत मात इसमें मिला देते हैं और ये शहद से एक एक ग्राम चटा देते हैं, तो कैसा ही कफ हो, कोल्ड हो, सर्दी हो, जुकाम हो, पुराने से पुराना नजला हो, ये सब का सब इससे ठीक हो जाता है। आयुर्वेद में तो बहुत औषधियाँ हैं कफ बलगम के लिए, लेकिन तुलसी ऐसी सुबह आप 2-3 पत्ते आप खा लेते हैं तो ये आपके कफ के लिए बहुत अच्छी होती है। दूध में हल्दी डाल करके लेते हैं, ये कफ के लिए बहुत अच्छी होती है। दूध में एक दो बूंद शिलाजीत ले लेते हैं, ये कफ के लिए बहुत अच्छी होती है। एक एक चम्मच च्यवनप्राश, वो ओरिजिनल च्यवनप्राश होना चाहिए, जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने बताया, महर्षि चरक ने, महर्षि सरस्वत धन्वंतरी आदि ने बताया, वैसा च्यवनप्राश होना चाहिए। वह भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करता है और कफ बलगम से आपको बचाता है। जिनको भी कफ की प्रॉब्लम है, मोटापा है, पेट खराब रहता है, वो गर्म पानी पिया करे, ठंडा पानी पीने से भी कफ की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और जिनको कफ की प्रॉब्लम है वो चिकनाई से बचें, चिकनी चीज़ों से बचें, घी और तेल से बचें, दूध में भी हल्दी डाल करके लें, और चाय के तौर पर आप दिव्य पेय का सेवन करें, इससे आपको कफ रोगों से तुरंत छुटकारा मिलेगा। और प्राणायाम करने वाले को तो कभी कफ का रोग होगा ही नहीं। साइनस, साइनसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, नाक का बंद होना, कफ बलगम बहुत ज़्यादा जिनका बढ़ जाता है नाक में, पॉलिप्स बढ़ जाते हैं, नाक बंद हो जाता है, ऑपरेशन कराना पड़ता है, ऑपरेशन के बावजूद भी ठीक नहीं हो पाते, फिर दोबारा से पॉलिप्स बढ़ जाते हैं, फिर ऑपरेशन कराना पड़ता है, और बार बार ऑपरेशन कराने पर कई बार तो नाक का कैंसर हो जाता है। ये देखने में छोटी सी प्रॉब्लम लगती है लेकिन बहुत खतरनाक होती है ये साइनस की प्रॉब्लम। और कहीं पर भी किसी से बात करते हैं, सभा में बैठते हैं और हमारे नाक बंद होते हैं तो हम ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं, हमारा प्रोनाउंसिएशन भी ठीक नहीं हो पाता है। और जब ये नाक की अंदर की हड्डी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो दिक्कत भी बहुत होती है, जहाँ भी बैठो वहीं
ऐसे करना पड़ता है, आप ठीक से सांस भी नहीं ले सकते हैं, और जब ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो रात को सोते सोते कई बार जो है पसीना आ जाता है, सांस रुक जाता है, बहुत दिक्कत आती है। आपको हमेशा मुंह खोल के रखना पड़ता है, और यदि बच्चों को ये प्रॉब्लम हो और वो मुंह खोल के रखते हैं तो उनके दांत बाहर आ जाते हैं। साइनस की बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, और इसका समाधान ऑपरेशन नहीं है, इसका समाधान है एक तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तीन जरूरी प्राणायाम है। यूँ तो प्राणायाम का पूरा जो पैकेज है, 8 प्राणायाम है, वो पूरा करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम तो सबको करना ही चाहिए। एक श्वास को यूँ भरा और बाहर छोड़ा, ये पहला प्राणायाम। जिनको साइनस की प्रॉब्लम है उनको शुरू में एक ही नाक से श्वास जाएगा या थोड़ा थोड़ा श्वास जाएगा, धीरे धीरे श्वास जाएगा, धीरे धीरे ये अच्छे से हो जाएगा। इसको 3 से 5 मिनट रोज करना चाहिए। फिर कपालभाति प्राणायाम आसानी से कर सकते हैं साइनस वाले रोगी, और ऐसे जब 10-15-20 मिनट तक लगातार कपालभाति करते हैं तो एक अंदर से हीट जनरेट होती है और उससे अपने आप सेल्फ हीलिंग होने लगता है, और ये जो बड़े हुए पॉलिप्स हैं अपने आप ख़त्म हो जाते हैं, साइनस अपने आप ख़त्म हो जाता है। अनुलोम विलोम शुरू में करेंगे तो दिक्कत आएगी, लेकिन बाद में फिर जैसे आप लगातार अनुलोम विलोम करेंगे तो जो है अभ्यास बढ़ता जाएगा और साइनस मिटता जाएगा। साइनस के लिए जननेति सूत्र नेति भी काम करती है, और साइनस के लिए एक्यूप्रेशर की भी बहुत बड़ी भूमिका है। रिंग फिंगर के टॉप से लेकर के सभी अंगुलियों के टॉप पर ये साइनस के पॉइंट होते हैं। हम जोर से ऐसे ताली भी बजा सकते हैं और एक एक अंगुली के टॉप पर ऐसे दबा भी सकते हैं, इससे दबाते ही नाक एकदम से खुल जाते हैं। कफ अब ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो इसके लिए 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड पाउडर करके एक एक चम्मच रात को दूध के साथ ले लें। इससे एक तो साइनस की प्रॉब्लम में आपको तुरंत फ़ायदा होता है, जिसको पुराना नज़ला भी कहते हैं, तो पुराने नज़ले के लिए साइनस के लिए बहुत अच्छा होता है, और इससे पेट भी साफ हो जाता है या आँखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड पाउडर करके एक एक चम्मच रात को थोड़े गुनगुने गरम दूध के साथ ले लें। दूध भी अकेला कफ करता है, जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है तो दूध में भी थोड़ा हल्दी मिला करके ले लें, शिलाजीत ले लें। लक्ष्मी विलास रस और संजीवनी बटी भी यह बहुत लाभप्रद होती है। सामान्य रूप से घर में त्रिकुटा, सौंठ, पिपल, काली मिर्च, सूंठ, छोटी पिपल और काली मिर्च बराबर मात्रा में लेकर के, अर्थात जैसे 50-50 ग्राम ले लिया, 100-100 ग्राम ले लिया, पाउडर करके रख लिया, और ये आधा से 1 ग्राम शहद के साथ चाट लेते हैं, उससे भी साइनस की प्रॉब्लम अच्छी हो जाती है। तो ये साइनस के लिए कुछ घरेलू उपाय आपको बताएं। जिनको भी साइनस की प्रॉब्लम रहती है वे तली हुई चीज़ों से बचें, घी वाली चीज़ों से बचें, और ठंडे पानी से भी बचें। वो जब भी पानी पिए, गर्म पानी पिए, इससे उनको तुरंत राहत मिलेगी। ये साइनस यदि लंबे समय रहता है तो हमारी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए यदि आप बहुत पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं उससे भी इसके होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आप प्राणायाम करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, और आप पहली बात तो साइनस होने से अपने आप को बचा पाएंगे, और साइनस होने के बाद इसको मिटा पाएंगे प्राणायाम से, आयुर्वेद से, प्राकृतिक चिकित्सा से। रूसी डेंड्रफ, जिसके बालों में एक बार डेंड्रफ हो जाता है तो फिर हजारों रुपए का शैम्पू प्रयोग कर लेते हैं और कैसे न जाने क्या क्या उपचार करते हैं, डेंड्रफ जाने का नाम नहीं लेता। हजारों रुपए का शैम्पू तो पानी में बहता ही है, और वो शैम्पू लगाते लगाते बाल और झड़ जाते हैं, लेकिन डेंड्रफ वहीं सिर में जमा रहता है, क्या करें। इसके लिए बहुत अच्छा उपाय है, एक तो खट्टी छाछ से आप बाल धोया करें, खट्टी छाछ और मुल्तानी मिट्टी, ये आपको डेंड्रफ से छुटकारा दिलाती है। जिस उपाय को करा करके हमने करोड़ों लोगों के डेंड्रफ को ठीक किया वो है एक चम्मच सुहागी की खील, एक चम्मच टंकण भस्म, आप
अपने पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों से ले सकते हैं, बोरिक एसिड उसको बोलते हैं अंग्रेजी में। एक चम्मच सुहागी की खील, एक चम्मच टंकण भस्म, एक चम्मच नारियल का तेल और दो तीन चम्मच दही, खट्टा दही या खट्टी छाछ ले लें और इसमें एक चम्मच आप नीम के पत्तों का रस मिला लें और इसको मिला करके सिर में लगा करके थोड़ी देर हल्के हाथ से मसाज करें और उसके बाद आप केशकांति शैम्पू से बालों को वॉश कर लीजिए। दो से तीन बार आपको उपाय करना पड़ेगा, डैंड्रफ हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। डैंड्रफ के लिए जो शैम्पू बनाए जाते हैं उनमें जो केमिकल यूज किए जाते हैं वो आंखों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं और कैंसरस होते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। इसलिए जो डैंड्रफ के लिए डिफरेंट प्रकार के केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं वो इतने खतरनाक हैं कि डैंड्रफ तो जाएगा ही नहीं, आपको कैंसर का रोग हो जाएगा। इसलिए उससे बचें, और चाहे नारियल का तेल है, चाहे सरसों का तेल है अथवा दिव्य केश तेल है, बालों में तेल का भी प्रयोग करते रहिए। तेल न लगाने से भी डैंड्रफ हो जाता है, पहले तेल सब लगाते थे, आजकल फैशन के चक्कर में कि मेरे बाल खिले खिले दिखें इसलिए वो तमाम तरह के केमिकल से बने हुए पैराफिन और तमाम तरह के दूसरे केमिकल से बने हुए तेल लगाते हैं या तेल का प्रयोग ही नहीं करते हैं, वह भी अच्छा नहीं होता। तो कम से कम सप्ताह में दो बार तो जब आप सिर धोते हैं, माताएँ बहनें जिनके बड़े बाल हैं तो वो भी ज़रूर तेल का लगा करके शाम को सुबह धो लिया करें। और डोकरी आदि में बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जहां पर कहते हैं कि भाई तेल लगाना ही मना है, तो कोई बात नहीं, आप जब नौकरी से जब अपने घर आते हैं तो रात को लगा के सो जाइए। जो जेंट्स के जिनके बाल छोटे होते हैं रात को तेल लगा के सो गए, सुबह उसको वॉश कर लिया, जब आपने स्नान किया उस समय सिर धो लिया। तो ये डैंड्रफ के लिए बहुत ज़बरदस्त उपाय है। और आंवले का सेवन किसी भी रूप में करना, चाहे आंवले के रसायन खाना, चाहे आप जो है च्यवनप्राश का सेवन करना, आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी खाना, चाहे जो है ये अमृत रसायन का प्रयोग करने के साथ साथ आमल की रसायन, ये जो है दोनों अलग अलग तरह की चीज़ें। एक अमृत रसायन होता है जो चटनी के रूप में होता है, आंवले के रूप में होता है, च्यवनप्राश की तरह वो पाक होता है, और आमल की रसायन एक पाउडर होता है जो आंवले के रस की भावना देकर के आंवले के चूर्ण को और ज़्यादा गुणवत्ता युक्त बनाया जाता है। तो किसी न किसी रूप में आप आंवले का सेवन करते रहिए। जिनके बाल बहुत सफ़ेद होते हैं, बाल सफ़ेद होने से रोकने के लिए, असमय में बाल सफ़ेद हो जाते हैं, उसके लिए भी ये नेल्स को पीछे से ऐसे रगड़ना 5 मिनट। बस लेडीज़ के लिए हम खास बताना चाहेंगे कि अंगूठे को ना रगड़े, क्योंकि अंगूठा रगड़ने से मुँह से दाढ़ी और आ जाती है। तो नेल्स ये जो 4 अंगुलियां हैं इनके पीछे के नाखूनों को ऐसे रगड़े और ऐसा 5 मिनट ये प्रयोग करने से असमय में जो बाल सफ़ेद हो गए, करीब 50 वर्ष के बाद यदि थोड़े थोड़े बाल सफ़ेद होते हैं तो ठीक है, लेकिन बहुतों के तो 35-40 साल में बहुत भयंकर सफ़ेद होने लगते हैं, पूरे सफ़ेद हो जाते हैं और फिर जो है वो अलग अलग तरह के कलर्स करते हैं और उन कलर्स से कैंसर जैसी भी प्रॉब्लम होती है और बहुत से लोग तो अंधे हो जाते हैं, मैंने खुद देखा है। बहुत तरह के नेत्र रोग होते हैं, स्किन डिजीज होती हैं अलग अलग प्रकार की डाई यूज़ करने से। और आप दिव्य केश तेल का सेवन कीजिए, यह भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। बाकी कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए और शीर्षासन सर्वांगासन कीजिए, यह भी बालों के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है, जिससे आप असमय में जो आपके बाल सफ़ेद हो रहे उस समस्या से आप बच सकते हैं।